बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। जैसा कि कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए कि जो एक्सरसाइज आपने बताया थी हमें लास्ट टाइम नेक के लिए, उस एक्सरसाइज से हमारी नेक की पेन तो ठीक हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जो सिम्टम्स थे हाथ के सुन होना और नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन के, वो सिम्टम्स अभी तक हैं, वो ठीक नहीं हुए। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है? रेडिकुलोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारे किसी भी नर्व पे कंप्रेशन आ गया है, हमारी नर्व पिंच हो गई है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स दे रही है नमनेस के, मसल वीकनेस के, टिंगलिंग सेंसेशन के, यानी कि हाथ के सुन हो जाने से या फिर पाँव के सुन हो जाने से। एक ही वजह है कि हमारी नर्व इन्वॉल्व हो गई है या उस पर कंप्रेशन आ गया है, जिसकी वजह से सिम्टम्स शो हो रहे हैं। अब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मतलब क्या है या ये किस वजह से होती है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी कि हमारी जो नर्व्स हैं जो हमारे हाथ को सप्लाई कर रही हैं, वो तीन नर्व्स हैं, जिसमें मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व आती है। अब ये तीन नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ये नर्व हमारी यहाँ नेक के पीछे से निकलती हुई हमारे शोल्डर, एल्बो और रिस्ट से होती हुई हमारी इवन के फिंगर तक सप्लाई करती हैं। तो अगर यहाँ पे किसी भी इसके नर्व के रूट में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं कंप्रेशन आ जाए, तो उसकी वजह से ये नमनेस और हाथ का सुन होना आ जाता है। इस वजह से फिर इसकी, जैसा कि हमने बात की थी नेक की एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो तो रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं पे कोई कंप्रेशन है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब हम देखते हैं कि अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व जो है वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है, या अगर हमारी इस वाली फिंगर पे हमारी सेंसेशन थोड़ी सी डाउन हो गई है या फिर नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन है, सुन इस फिंगर पे फील हो रहा है, तो वो कौन सी नर्व है जो कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कॉज कर रही है? तो सबसे पहले हम मीडियल नर्व की बात करेंगे। मीडियल नर्व जो है वो हमारी फर्स्ट टू फिंगर और थंब के यानी अंदर वाले हिस्से को प्रोवाइड करती है, इसलिए जब कभी भी हमारी इस फिंगर को और इस थंब पे कोई सुन हो रहा होता है पार्ट, तो हमें पता लग जाता है कि ये मीडियल नर्व का इंट्रैपमेंट है कहीं पे, जिसकी वजह से ये सुन हो रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें अल्नर नर्व की, तो अल्नर नर्व हमारी एल्बो के अंदर वाली साइड से हमारी छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली को सप्लाई करती है, इसलिए जब कभी हमारी इन दो उंगलियों पे सुन फीलिंग आती है, यहाँ पे सुइयाँ चुभ रही होती हैं, तो ये कौन सी नर्व होती है? हमारी अल्नर नर्व होती है। उसके साथ साथ अगर हम रेडियल नर्व की बात करें, तो रेडियल नर्व हमारी हाथ के पीछे वाले हिस्से को, ये दो उंगलियाँ और अंगूठे को सप्लाई करती है। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्यों होती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी अब दो तरह से हो सकती है, या तो फिर डिस्क हर्निएशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नेक में जो नर्व्स पास आउट कर रही हैं हमारे हाथ तक, उनमें कोई मसला आ जाए, उस पर कंप्रेशन पड़ जाए डिस्क की वजह से, तो ये रेडिकुलोपैथी आ जाती है। या फिर हमारी कोई नेक में डीजनरेशन चेंजेस आ गई हैं, डीजनरेशन चेंजेस की वजह से भी हमारी नर्व पे कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ वगैरह सुन होने लग जाते हैं। उसके अलावा हमारे मसल्स वीक हों अगर नेक के ज़्यादा, जैसे कि हम बात करें कि कुछ ड्राइवर्स होते हैं उनकी नेक के मसल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो लोग जो कि कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं उनके नेक के मसल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, जिसे हम कंप्यूटर वीएन सिंड्रोम कहते हैं। और या फिर कोई वो लोग जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता, उनके राउंडेड शोल्डर होते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो नेक है वो आगे की तरफ होती है, उस आगे नेक की वजह से हमारे जो नर्व पे कंप्रेशन पड़ रहा होता है, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स शो होती हैं। अब बात ये है कि हम इस कंप्रेशन को कैसे ठीक करें। अब इस हर कंप्रेशन को ठीक करने के लिए एक ही तरीका होता है कि हम उसको डीकंप्रेस करें, यानी कि उसकी जगह थोड़ी सी बढ़ा दें कि उस पर जो कंप्रेशन है वो कम हो जाए। अब फिजियोथेरेपी में हम इस कंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि रेडिकुलोपैथी को ख़त्म करने के लिए, हम इसके लिए ट्रैक्शन देते हैं। जब हम ट्रैक्शन देते हैं मैनुअली, तो जो जॉइंट्स में गैप कम हुआ आता है वो गैप बढ़ जाता है। उस गैप के बढ़ने की वजह से जहाँ पे नर्व पे कंप्रेशन आ रहा होता है वो कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे हाथ सुन हो रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फिजियोथेरेपी नहीं करवाता है, इसको घर में ठीक करना चाहता है,
तो उसके लिए एक कॉलर यूज होता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन कॉलर। अब इस कॉलर को यूज कैसे करते हैं, इस कॉलर को यूज करने के लिए ये कॉलर है, ये कॉलर दिया गया है, इसको हम अपने नेक के अराउंड रख के इस तरह से, ये जो ओपन साइड है वो हमने आगे रखनी होती है, बाकी इसको हमने पीछे रख के, तो यहाँ से हमने इसको बंद कर लेना होता है, जितना हमें चाहिए होता है उतनी हमने इसकी ग्रिप टाइट कर लेनी है। उसके बाद ये एक पंप दिया गया है इसके साथ, जब आप इस पंप से इसमें एयर ब्लो करते हैं तो फिर वो एयर से ये फूलने लग जाता है और इसमें एयर फिल होने लग जाती है। जैसे जैसे एयर फिल होती रहती है ये टाइट होता रहता है, इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है, तो जितना ज़्यादा ये ऊपर होता जाएगा ये हमारी नेक को होल्ड करता जाएगा ऊपर की तरफ, तो जितना हमें ज़रूरी चाहिए हम इसको ब्लो कर लेंगे, इसके अंदर सारी एयर फिल कर लेंगे, तो फिर हम महसूस करेंगे कि हमारी जो वो एक कंप्रेशन आया हुआ है नेक में, या कोई दर्द है, कोई पेन है, वो इससे रिलीफ हो रही है, और जितना हमें इजी है बियर कर सकते हैं हम इसका ट्रैक्शन, हम उतनी ट्रैक्शन देंगे इसे। इसके ट्रैक्शन देने के बाद हमने एहतियात करनी है कि हम अपनी नेक को हिलाए नहीं और इसको हम ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि मैंने अभी इतना ट्रैक्शन नहीं दिया तो मैं इजीली बोल सकता हूँ और अपनी गर्दन भी हिला सकता हूँ। इसको ट्रैक्शन के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको होल्ड करना है, और आप ये दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप दिन में इसको 2 दफ़ा करें और आप होल्ड करें इसको, यानी कि ट्रैक्शन देने के बाद आप इसको स्टे कर दें 10 मिनट के लिए। इससे आपके जो हाथ सुन्न हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, आपकी जो मसल में स्टिफनेस है, मसल में जो पेन आ रही है उसकी वजह से, वो भी ठीक हो जाएगी, और कहीं पे डिस्क का कोई इशू है, डिस्क बल्ज है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। और इस ट्रैक्शन कॉलर को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उनसे रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी आपके जो हाथ सुन्न हो रहे हैं किसी भी वजह से, नेक में स्टिफनेस, बैड पोस्चर, या फिर कोई कंप्रेशन आ गया है, कोई स्पेस जो है ज्वाइंट्स में, नेक के ज्वाइंट्स में जो स्पेस कम हो गई है, वो सारा कुछ इससे ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसके करने से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं। जैसा कि हमने बात की कि 3 नर्व्स होती हैं जो कि हमारे हाथ को सप्लाई कर रही होती हैं, तो उनके स्ट्रेचेस से भी हम अपने हाथ को जो सुन्न हो रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।